नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं रेनू प्रीति। खबरों की शुरुआत करेंगे, हर साल की तरह इस साल भी प्रयाग सेवा संस्था और कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने होलियारों की टोली के साथ होली मनाई। रामनगर पहुंची होलियारों की टोली का क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं कलाकारों ने होली के गीतों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत भी क्षेत्रवासियों से होली मिलन कार्यक्रम के तहत मिले और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान रणजीत सिंह रावत ने कहा कि प्रयास सेवा संस्था और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए काम कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। 2004 से होली लगातार आयोजित की जा रही है और पिछले 6-7 साल से रामनगर में भी आ रही है। ये हमारी सांस्कृतिक विधा है जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सौंप के जाएं। यही प्रयास हमारी संस्था प्रयास सेवा संस्था का है कि हमारी सांस्कृतिक विरासतें फले फूलें और हमारी नई पीढ़ी उसको जाने समझे और उसको अपनाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में महिलाओं को हर्बल कलर का सीखने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स हेल्थ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा अलकनंदा अशोक के आदेश और पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन पर पुलिस परिवार की महिलाओं ने डॉक्टर शिखा ठाकुर के पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन परिसर में हर्बल कलर तैयार किए। इस मौके पर 29 स्वायत्त सहकारिता संस्था थल से मदन उपाध्याय, पीयूष उपाध्याय ने महिलाओं को हर्बल कलर बनाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि केमिकल कलरों से स्किन एलर्जी जैसी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है, इसलिए इस बार पुलिस परिवार खुद के बनाए हर्बल कलरों से ही होली मनाएगा। उधर बेरीनाग और गंगोली हाट में भी लोगों में होली के त्यौहार को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह पुरुषों की खड़ी होली और महिलाओं की बैठकी होली की धूम मची हुई है। बेरीनाग और गंगोली हाट क्षेत्र होलीमय हो चुके हैं। अलग अलग स्थानों पर घरों में महिलाओं की बैठकी होली भी शुरू हो रही है। सभी जगह ढोल मंजीरे बज रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए देश भर में अब 12 से 14 साल के बच्चों को 16 मार्च से यानी आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर टिहरी में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी कर ली गई है। वैक्सीनेशन को लेकर सीएमओ द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और तैयारियों की समीक्षा की गई। सीएमओ का कहना है कि 16 मार्च को जो भी बच्चा 12 साल और 12 से 14 साल तक होगा उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके लिए सभी ब्लॉकों में तैयारियां भी अब कर ली गई हैं और सभी ब्लॉकों में कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। अभी कल ही भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो बच्चे 12 से 14 साल की उम्र के हैं उनको भी निःशुल्क वैक्सीन कार्बोवैक्स के नाम से नई वैक्सीन एक आई है जो लगाई जानी है, जो कि कल 16 तारीख से पूरे जनपद में या पूरे राज्य में लगाई जा रही है। तो इसमें 16 मार्च को जो भी बच्चा 12 साल या 12 साल से ऊपर की उम्र का होगा उन सबको हम ये वैक्सीन निःशुल्क लगाएंगे। तो आज इसके लिए मैंने दिशा निर्देश सभी अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को जारी कर दिए। वैक्सीन भी 2 बजे तक हमारे पास आज आ जाएगी, तो शाम तक सभी ब्लॉकों में हम इसको पहुंचा देंगे। होली के मौके पर हरिद्वार में बाजार में रौनक लौट आई, ऐसे में दुकानदारों ने भी खुशी जाहिर की है। कोरोना के चलते व्यापारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन अब मामलों में गिरावट आने के बाद व्यापारियों को उम्मीद है कि उन्हें कोरोना के चलते मंदी की मार से उभरने का मौका मिलेगा। तहसील व्यापार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल गर्ग का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 का टीकाकरण संपूर्ण होने से इस महामारी से बचाव करने में काफी हद तक सहायता मिली है। व्यापारी संजय गोयल ने बताया कि बाजारों में शिवरात्रि से ही रौनक देखने को मिल रही है और अब होली का त्यौहार आने से लग रहा है कि इस बार व्यापार में इजाफा होगा।
कोविड खत्म होने से जो गाइडलाइन थी सरकार की वो खत्म हुई है, उसके बाद बाजार में रौनक भी है, लोगों के मन में जो भय था वो भी खत्म है और त्यौहार निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छा जाना चाहिए होली का, और पूरी तैयारी हमारी होली के लिए। होली में तो जी मेन तो त्यौहार होता है गुजिया का, और बाकी लेन देन में तो जो चलता है वो सभी मिठाई चलती है, लेकिन 90% जो चलती है गुजिया चलती है। गुजिया की बहुत सारी वैरायटी बनाई हमने, कम से कम 10 तरह की वैरायटी हमारे गुजिया की हमारे पास है। कोरोना जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, अधिकतर हिंदुस्तान में सभी लोग डबल वैक्सीनेट हो चुके हैं, इसकी वजह से लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं, लोग बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब होली के ऊपर जो त्यौहार है, त्यौहार के ऊपर जो बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, उससे व्यापारी वर्ग का चेहरा जो है वो खिला है, तो मैं यही मानता हूँ कि आने वाला समय व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में आज शहीद CDS बिपिन रावत की 65वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ऋषिकेश में भी नगर निगम महापौर अनिता ममगाई के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भजनगढ़ स्थित कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों को फल वितरित किए। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि CDS स्वर्गीय रावत सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनरल रावत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश की सेना में बड़े परिवर्तनों के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। जनरल बिपिन रावत जी के हमारे CDS चीफ हैं, आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने, उनके शुभचिंतकों ने कुष्ठ आश्रम में जो कुष्ठ रोगी हैं उनको फल वितरण का कार्य यहाँ पे किया और उनकी आत्मा की शांति की माँ भगवती से प्रार्थना करी। यहाँ पे पूजा अर्चना करने के उपरांत उनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे प्रार्थना की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अभी ये तय नहीं हुआ है कि अगला CM कौन होगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को लेकर गंगोली हाट में मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए विश्व प्रसिद्ध महाकाली मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता राम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना में CM पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से पूजा अर्चना की और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम सिंह बिष्ट ने बताया कि CM पुष्कर सिंह धामी की महाकाली मंदिर में आस्था है, वे जब भी गंगोली हाट आते हैं तो मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनौल्टी अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, जहां पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवलसारी औंतण और तेवा की हसीन वादियों में माया प्रोडक्शन के बैनर तले हिंदी फिल्म 4 लाइन पैराडाइज का फिल्मांकन शुरू हो चुका है, जिसका शुभारंभ भाजपा के मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़ और निर्माता राकेश धामी राजेश मालगुड़ी ने गणेश वंदना के साथ किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़ ने कहा कि औंतण देवलसारी की खूबसूरती फिल्मों के लिए बेहतरीन है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। उन्होंने संस्कृति से जुड़े हुए कलाकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवलसारी क्षेत्र की हसीन वादियों से किसी भी फिल्म के फिल्मांकन में स्थानीय लोग भी उनका भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत खुशी की का विषय है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से लगातार जो हैं ये शूटिंग के लिए लोग आ रहे हैं, और ये हम बचपन से ही चाहते थे कि यहाँ पर इस प्रकार की फिल्में शूट हों, इस प्रकार की एल्बम शूट हों। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर गढ़वाली फिल्म, एक थोकदार फिल्म जो यहाँ पर शूट की गई, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये जो छुपी हुई प्रकृति का स्वरूप हमारे ग्राम सभा में और आसपास देवलसारी के आसपास के गांव में है, ये जो है इस प्रकार की फिल्मों के माध्यम से, इस प्रकार के एल्बम के माध्यम से जो है बाहर जाएगा और यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्मों के लिए आएंगे। हम लोग यहाँ आए, बहुत सुंदर लगा, क्योंकि उत्तराखंड वाकई में धरती का स्वर्ग है, लेकिन हम लोग पूरे उत्तराखंड में घूमे नहीं हैं। उसी बहुत सारी वजह है, हमारा जो ऐड नहीं होता, प्रमोशन नहीं होती है, उसके माध्यम वैसे ये फीचर फिल्में या एल्बम में बहुत हैं। हम लास्ट टाइम आए, बहुत अच्छा लगा, गांव का सपोर्ट लगा, लोगों का सपोर्ट लगा, और गौड़ जी ने विशेषकर उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। हम सबको ऐसे सहयोग, ऐसा ही सपोर्ट करें, और अपने उत्तराखंड में जो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ लेकिन मुझे भी काफ़ी कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में, लेकिन कुछ धीरे 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 जब हम लोग इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वाकई में वो हर प्रकार का सहयोग करते हैं। फॉरलॉर्न पैराडाइज,
और ये फिल्म बन रही है अपना यहाँ के अपना पलायन को हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे बच्चे हैं यहाँ से नीचे जाते हैं और छोटी छोटी नौकरियाँ कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था है कि उससे ज़्यादा वो अपने घर में रह के ही अर्न कर सकते हैं और उनका सिटी का स्ट्रगल भी है और उतना सब कुछ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे क्या हम यही फिल्म में कोशिश कर रहे हैं दिखाने की किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की जा सकती है और कैसे अपने छोटे छोटे जो घर हैं उनमें बेसिक सुविधाएं अगर डाल दी जाएं तो यहाँ पे हम प्रकट पर्यटक को भी ला सकते हैं। और वहीं धनौल्टी में जौनपुर के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर में होली मिलन कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर थत्तूर के छात्र छात्राएं अभिभावक और अध्यापकों द्वारा होली मिलन कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश्वर प्रसाद बडौनी ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का पर्व राष्ट्रीय एकता व भाईचारे में अपनी भूमिका निभाता है। होली पर्व पर सब अपने बैर भाव ईर्ष्या द्वेष घृणा व कलह को त्याग कर इस पर्व को मनाते हैं। पर्व हमारे लोक जीवन के अंग होते हैं, इन्हें प्रेम से मनाना चाहिए। बच्चों की बहुत दिन से पहले तैयारी भी थी और बच्चों का ये जो उत्साह है ये देखने लायक भी था क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब बहुत अच्छा लगा कि अपने फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा के जो कार्यक्रम मनाया जाता है ये बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है और ये अपना जो पर्व है ये एकता और सौहार्द के लिए जाना जाता है, भाईचारा के लिए किया जाता है। तो अच्छा लगा कि भैया बहनों के द्वारा यह कार्यक्रम मनाया गया और हमें भी इसमें बड़ी आनंद की अनुभूति हुई और हम चाहते हैं कि अपना देश समाज के लिए ये बच्चे जो एक संदेश के रूप में काम करेंगे कि हमारा देश के लिए ये जो एकता और सौहार्द का परिणाम देंगे और इसका जो है संपूर्ण समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। बच्चे के मनों की भावनाओं को समझते हुए हमने आज इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से उल्लास के साथ मनाया। उधर हरिद्वार में भी वैश्य समाज ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वैश्य समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोगों का कहना है कि कोरोना में कमी के चलते 2 साल बाद ये कार्यक्रम हो पाया है। उन्होंने बताया कि वैश्य समाज मध्य हरिद्वार द्वारा प्रत्येक वर्ष होली का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, जिसमें कई प्रतियोगिताएं महिलाओं के लिए की जाती हैं। कोरोना के चक्कर में मना नहीं पा रहा था, पिछले साल बहुत सूक्ष्म रूप से होली मनाई गई थी, इस बार हमारे समाज ने बहुत विशाल पर्व रखा है होली का और सब बहुत हर्षोल्लास से होली मना रहे हैं। खुशी के साथ हम लोग मना रहे हैं और हमारी पूरे कार्यकारिणी, हमारे अध्यक्ष और हमारे कोषाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारे वैश्य समाज की तरफ से हमारी खुशी है, जो हम कोई भी त्यौहार होता है तो पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं, उसी में से एक कार्यक्रम है होली महोत्सव, जिसको हम बहुत ही खुशी के साथ फूलों की होली के साथ इस्कॉन के संगीत के साथ महिलाओं के नृत्य के साथ प्रस्तुत करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब की राजनीति में नया इतिहास रचा गया है। सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे संजय सैनी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पंजाब में पार्टी की सरकार बनने पर खुशी जताई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी दिल्ली की तरह नया इतिहास रचेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, एक परिवर्तन होने वाला है जो धीरे धीरे आपको हर राज्य में दिखाई देगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है, अब बाकी सरकार को भी जो है आम लोगों को सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनकी सुननी पड़ेगी, इसी तरीके से जो है आगे कार्य होगा। इसके अलावा जो है होली का पवित्र त्यौहार है, मैं हरिद्वार के सभी नगरवासियों को जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।